पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और कांग्रेस नेताओं के बीच तनातनी बदस्तूर जारी है। पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले घमासान का दौर जारी है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और कांग्रेस के नेताओं के बीच टेंशन बढ़ती जा रही है। हालांकि इस तनातनी में पाकिस्तान की पत्रकार अरुषा आलम की एंट्री से वार पलटवार का सिलसिला और कांग्रेस नेताओं की जुबान की धार और तेज हो गई है, जिससे आहत होकर अरुषा आलम ने फिर कभी भारत न आने की बात कह डाली है। पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और कांग्रेस नेताओं के बीच चल रही टेंशन के बीच फंसी पाकिस्तान की पत्रकार अरुषा आलम ने कहा कि वह पंजाब कांग्रेस के नेताओं से बेहद निराश और हताश है और कभी भारत वापस नहीं आएगी, क्योंकि वह उनसे बेहद आहत है और उनका दिल टूट गया है। दरअसल पिछले हफ्ते पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह रंधावा ने कहा कि आलम के कथित ISI लिंक पर जांच की जाए। अमरिंदर ने रंधावा के इस बयान पर पलटवार किया था और उनके मीडिया सलाहकार रवीन ठुकराल द्वारा पोस्ट किए गए ट्वीट्स में कहा था कि आलम भारत सरकार की मंजूरी के साथ 16 साल से देश आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अरुषा आलम ने फोन पर बात करते हुए कहा कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ये सब इतना नीचे गिर सकते हैं। अरुषा ने कहा कि सुखविंदर सिंह रंधावा, PPCC प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू और उनकी पत्नी नवजोत कौर सिद्धू बहुत बड़े घाघ हैं। वे कैप्टन को शर्मिंदा करने के लिए मेरा इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि क्या वे इतने दिवालिया हो गए हैं कि उन्हें अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए मेरा इस्तेमाल करना पड़ रहा है। प्लीज अपनी लड़ाई अपने दम पर ही लड़े। उन्होंने आगे कहा कि मेरे पास उनके लिए एक मैसेज है कि प्लीज बड़े हो जाओ और अपने घर को संभालो। पंजाब में कांग्रेस अपनी साजिश के चलते सब कुछ खो चुकी है। चुनाव से कुछ महीने पहले अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने को लेकर उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा, चुनाव से ठीक पहले अपने मुख्यमंत्री को कौन बदलता है। आलम ने कहा, अब प्लीज अपनी लड़ाई अपने दम पर ही लड़े। आप मुझे इस पंजाब कांग्रेस और सरकार के झमेले में क्यों घसीट रहे हैं? अब जब उन्होंने मुझे इसमें घसीटा है तो मैं केवल यह कहना चाहूंगी कि आपके बंदर आपका सर्कस आप संभालें। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज़।